वेलकम बैक दोस्तों। अगेन आप लोग के लिए एक मेंस केयर प्रोडक्ट लेकर आ चुका हूँ जिसका करेंगे रिव्यू। सो मेरे पास आ चुका है अर्बन गबरू के बियर्ड ऑयल, जो आप लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने है। तो इसका करेंगे रिव्यू, इससे बेनिफिट क्या होगा, आप लोग को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोग परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को देखिए और स्टेप भी बताऊंगा किस तरह से आप इसे यूज करेंगे। और उससे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, अर्बन गबरू के हेयर वैक्स है इसके बारे में रिव्यू किया हूँ, सो जाकर देख ले। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस बताया यूज करने का, आप लोग के लिए कितना सही होगा आप लोग जाके देखें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज अपने तरफ से लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे चल के नए नए वीडियो जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिले। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में अर्बन गबरू का लोगो दिया हुआ जो कि मेरे से कुछ मिलता जुलता है, सो जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगो, और यहाँ पर लिखा हुआ अर्बन गबरू बियर्ड ऑयल। अब दोस्तों चलिए इसका प्राइस की बात करें, तो इसका जो प्राइस है दोस्तों डब्बा पे 400 रुपया लिखा रहा 50 ml का, बट मैं ऑनलाइन शॉपिंग किया हूँ अमेजोन से तो मात्र वहाँ पे 346 रुपया पड़ा है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि आप इसे कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट बिफोर 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों आप 3 साल के अंदर इसे यूज कर सकते हैं, मतलब 3 साल तक का वैलिडिटी रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है। तो डब्बा पर दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है दोस्तों अप्रैल 2019 का है, मीन्स दोस्तों ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, तो 2 साल और बचा है, तो बट दोस्तों 2-3 महीने में तो ख़त्म हो जाएगा 50 ml है। तो दोस्तों चलिए बात करेंगे कि आप इसे यूज किस तरह से करेंगे, उससे पहले दोस्तों इसका बेनिफिट जान लेते हैं कि अगर आप इसे यूज करते हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है कि आप इसे यूज करेंगे तो आपका बियर्ड ग्रोथ होगा, मतलब आपका दाढ़ी बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपका फेस मॉइस्चराइज है तो कंट्रोल करके रखेगा। तीसरा, आप इसे यूज करते हैं तो आपका स्किन के साथ साथ आपका बियर्ड बिल्कुल स्मूथ रहेगा। तो इसका 3 बेनिफिट है। सो अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि आप इसे यूज किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले हम डब्बा को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग को दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का डब्बा आ जाता है, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी लोगो बना हुआ है और सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, और कुछ इस टाइप का ड्रॉप टाइप का दिया हुआ दोस्तों। एक्चुअली पूरा पैकिंग था तो यहाँ से मैं पैकिंग हटा दिया हूँ, तो पूरा ड्रॉप टाइप का दिया आप लोग देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे, जो कि काफ़ी सेफ्टी रहेगा कि कहीं आप गिर भी जाता तो आपका यहाँ से नहीं गिरेगा, तो जो कि काफ़ी सेफ्टी के लिए दिया हुआ। तो चलिए हम डब्बा को साइड करते हैं, इसका स्टेप आप लोग को बताते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको 2 से 3 ड्रॉप आपको हैंड पे ले लेना है, और डिपेंड करता है कि आपका दाढ़ी का साइज क्या है, जैसे कि दोस्तों मेरा तो देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, तो 2 या 3 ड्रॉप काफ़ी है, बट इससे ज़्यादा बड़ा है उससे अधिक ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इस तरह से 2 या 3 ड्रॉप सिंपली सी, 3 ड्रॉप ले चुके हैं। अब चलिए हम साइड करते हैं, और सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से लेना है और सिंपली सी दोस्तों इस तरह से करना है, मतलब 1 मिनट के लिए, और सिंपली से आपको दाढ़ी में इस तरह से आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, सिंपली दोस्तों आपको लगाना है इस तरह से, मतलब दोस्तों आपको सिंपली सी पूरे दाढ़ी में आपको लगा लेना है, पूरे बियर्ड में आपको लगा लेना है, और थोड़ा मतलब 3 से 4 मिनट आपको इस तरह से करते रहना, मालिश करना अपनी दाढ़ी का ताकि सॉफ्ट हो जाए और जरूरतक तेल चला जाए ताकि बेनिफिट हो, क्योंकि दोस्तों अगर ऊपर ऊपर लगाते हैं तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऊपर ही रह जाएगा, इसलिए आपको अंदर तक लगाना है जरूरतक आपको तेल को पहुंचाना ताकि वहां से बेनिफिट हो, आपका दाढ़ी ग्रोथ करे। तो आपको इस तरह से करना है, सो दोस्तों फाइनली हो चुका आप लोग देख सकते हैं, और क्या शाइनिंग कर रहा है, अभी फर्स्ट दिन में यूज किया हूँ। सो दोस्तों यही स्टेप है कि आपको मतलब जड़ तक तेल को पहुँचाना ताकि वहाँ से बेनिफिट हो, अगर ऊपर ऊपर लगा लेंगे सिर्फ लेंगे और ऊपर ऊपर इस तरह से लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब तक जड़ तक नहीं पहुँचेगा इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपको लगेगा कि बेकार ले लिए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, और कुछ देर तक आपको मालिश करना है इस तरह से, लगभग जितना टाइम दे सकते हैं 3-4 मिनट तक आप दे सकते हैं इस पर, क्योंकि दोस्तों इससे बेनिफिट होगा, और आप मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जस्ट आप लगा लेंगे और सोचेंगे कि मेरे से आपका काम हो जाएगा, बट नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो 2-3 मिनट टाइम दें, जिससे कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यही बात करेंगे कि जब मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर लूँगा,
आफ्टर कुछ इसका रिजल्ट आता है तो इसका एक एक्सपीरियंस वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ सबसे पहले तो उसका रिव्यू करता हूँ, स्टेप बताता हूँ आप लोग को। बट उसके बाद जब मैं यूज कर लेता हूँ उसका जो भी रिजल्ट रहता है, फिर उससे अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ एक वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको बेनिफिट हो, आप लोग अच्छे से जान सके कि आपके लिए कितना सही होगा। क्योंकि दोस्तों मैं लास्ट के वीडियो में भी हेयर वैक्स का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगाओ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट रिव्यू क्या चीज़ का चाहिए। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।